हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे अपने इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स ऑन रिएक्टिविटी एंड ओरिएंटेशन ऑफ बेंजीन। अब बेंजीन के ऊपर हम लोगों ने 3 लेक्चर ऑलरेडी कर लिए हैं, आई होप कि आपने देख लिए होंगे। अगर नहीं देखे हैं तो आप लोग यहाँ पर प्ले लिस्ट में जाके चेक कर सकते हो। वहाँ पर आप लोग को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सेकेंड की प्ले लिस्ट मिल जाएगी, जिसमें आप लोग बेंजीन के सारे लेक्चर देख सकते हो। ठीक है, तो ये हमारे यहाँ पर बेंजीन के ऊपर 4th लेक्चर होने वाला है, और इसके बाद हमारा एक छोटा सा टॉपिक इसमें और बचेगा, और उसके बाद हमारी जो बेंजीन है यानी यूनिट 1 है वो पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगी। और नोट्स आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बहुत जल्दी मिल जाएगी और टेलीग्राम पे मिल जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, आज की वीडियो की अगर हम लोग बात करें तो हमें पढ़ना क्या है। हमें बेसिकली ये पढ़ना है कि ये जो हमारा बेंजीन रिंग होता है, अगर इसके ऊपर हमारा कोई सब्स्टिट्यूएंट्स यानी कि कोई भी ग्रुप आके जब अटैच होता है, तो वहाँ पे जो बेंजीन की रिएक्टिविटी है वो किस तरीके से चेंज होती है। यानी कि जो बेंजीन है, या तो हो सकता है वो ज़्यादा रिएक्टिव हो जाएगा या तो कम रिएक्टिव हो जाएगा। और यहाँ पे ओरिएंटेशन तो अभी सारी बातें करेंगे, बाकी हम लोग थोड़ा सा थ्योरी अगर देखें तो बेंजीन रिंग कंटेन्स 6 हाइड्रोजन एंड 6 ऑन ऑल 6 हाइड्रोजन ऑफ बेंजीन आर आइडेंटिकल इन नेचर। देखो, ये चीज़ तो हमें बहुत अच्छे से पता चल चुकी है कि जो हमारी बेंजीन रिंग है इसके अंदर हमें 6 हाइड्रोजन देखने को मिलते हैं, और ये 6 के 6 हाइड्रोजन क्या होते हैं, आइडेंटिकल नेचर के होते हैं, यानी बिल्कुल सेम होते हैं। ठीक है, तो नाउ व्हेन 1 हाइड्रोजन ऑफ बेंजीन इज सब्स्टिट्यूटेड बाय अ ग्रुप, देन इट बिकम्स मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन। अब देखो, जब यहाँ पे कोई एक ग्रुप यहाँ पे आता है और इस हाइड्रोजन को रिमूव करके, ठीक है, खुद उसकी जगह आ जाता है, तो हम लोग उस बेंजीन को बोलते हैं मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन। अच्छा, अब एक चीज़ आप लोग को पता है, क्योंकि जो हमारा बेंजीन है उसके 6 हाइड्रोजन बिल्कुल सेम है, तो ये जो हमारा पहला ग्रुप होता है ये हमारा किसी भी हाइड्रोजन को रिप्लेस कर सकता है। यानी ये यहाँ पे भी आके लग सकता है, यहाँ पे भी आके लग सकता है, यहाँ पे भी, यहाँ पे, यहाँ पे, मतलब इसका जहाँ मन हो वो वहाँ पे हम लोग इस ग्रुप को ऐड कर सकते हैं। और यहाँ पे सबका नाम सेम ही होगा, यानी ऐसा नहीं है कि इस पोजीशन पे NO2 लगाए तो इसका नेम अलग हो गया, ठीक है, और इस पोजीशन पे लगाए तो इसका अलग हो गया। सबका नेम यहाँ पे नाइट्रोबेंजीन ही होगा, यानी ये बिल्कुल सारे हमारे सेम प्रोडक्ट होते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आप लोगों को क्लियर है। नाउ व्हेन तो ये चीज़ हम लोगों ने देखा कि एक अगर हमारा कोई भी सब्स्टिट्यूएंट आके जुड़ रहा है तो हम लोग इसको मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन बोलते हैं। देखो, बहुत ही सिंपल है, मोनो मतलब सिंगल। अब मान लो 2 जुड़ा है तो डाई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन, 3 जुड़ा है तो ट्राई, और 3 से भी ज़्यादा जुड़ जाए तो पॉली सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन। तो इस तरीके से काफ़ी सिंपल है, ये तो कोई खास बात है नहीं। नाउ दिस मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन कंटेन्स 3 पोजीशंस। अब यहाँ से आप लोग बहुत ध्यान से चीज़ें सुनना, यहाँ से लेक्चर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखो, जब हमारा बेंजीन है, जब इसके ऊपर कोई भी ग्रुप या फिर कोई भी सब्स्टिट्यूएंट यहाँ पे नहीं ऐड है, तो यहाँ पे हमारे बेंजीन की सारी पोजीशंस बिल्कुल सेम होती हैं। यानी हमारा जो पहला ग्रुप है वो हमारा किसी भी पोजीशन पे आके अटैच हो सकता है, सारी चीज़ें हमारी सेम ही होंगी। लेकिन एक बार जब हमारा पहला सब्स्टिट्यूएंट या फिर पहला ग्रुप आके अटैच हो गया हमारे बेंजीन पे, तो उसके बाद ये जो हमारी पोजीशंस हैं, ठीक है, ये हमारी थोड़ी सी चेंज हो जाती हैं, यानी इन पोजीशंस का कुछ नेम हो जाता है। तो क्या नेम होता है, देखो उसको बहुत ध्यान से समझना। जैसे मान लो जो हमारा बेंजीन है उसके इस पोजीशन पे, ठीक है, हमारा मान लो कोई ग्रुप आके जुड़ गया, हम लोग मान लेते हैं COOH हमारा आके जुड़ गया, ठीक है। तो अब यहाँ पे ध्यान से सुनना, जो हमारा पहला ग्रुप होता है, ठीक है, तो इसके जो जस्ट बगल वाली दोनों पोजीशंस होती हैं, यानी इसके बगल चाहे इस साइड चलो चाहे इस साइड, यहाँ पे इस वाली पोजीशन को हम लोग बोलते हैं ऑर्थो पोजीशन। ठीक है, बिल्कुल क्लियर है ना। देखो, ये दोनों पोजीशन बिल्कुल सेम है, चाहे आप इधर चलो चाहे इधर चलो, तो दोनों का नाम ऑर्थो। और उसके बाद जो सेकेंड पोजीशन है वो भी दोनों यहाँ पे सेम है, तो इन दोनों को हम लोग क्या बोलते हैं, मेटा। ठीक है, और जो यहाँ पे लास्ट वाली पोजीशन होती है इसको हम लोग यहाँ पे बोलते हैं पैरा पोजीशन। देखो, ये पोजीशंस कब आती हैं, जब हमारा कोई ग्रुप आके बेंजीन से अटैच हो जाता है, ठीक है, तो वहाँ पे उसके बाद अगर हम लोग कोई भी सब्स्टिट्यूएंट या फिर कोई भी ग्रुप अटैच कर रहे हैं, तो वहाँ पे वो पोजीशंस जो है चेंज हो जाती हैं। यानी देखो, इसको बिल्कुल ऐसे समझो कि मान लो यहाँ पे कोई ग्रुप आके अटैच हो गया, अब अगर हम लोग जो है कोई दूसरा ग्रुप लाके अटैच कर रहे हैं, तो अगर इस पोजीशन पे कर रहे हैं, ठीक है, जैसे ये हमारी ऑर्थो है, तो ये हमारा अलग हो गया, और अगर हम लोगों ने यहाँ करेंगे तो यहाँ पे देखो ये मेटा हो जाता है, ठीक है, तो ये हमारा अलग हो जाता है। जबकि अगर नॉर्मली बेंजीन में देखें तो बेंजीन में चाहे आप यहाँ जोड़ो चाहे यहाँ जोड़ो चाहे यहाँ जोड़ो, सारी पोजीशंस बिल्कुल सेम ही रहती हैं। लेकिन वहीं पे अगर हमारा कोई ग्रुप आके अटैच हो गया एक बार, ठीक है, तो उसके बाद जो हमारी पोजीशंस है वो यहाँ पे चेंज हो जाती हैं। यानी तब इस पोजीशन को हम लोग ऑर्थो, इस पोजीशन को मेटा, इस पोजीशन को हम लोग पैरा बोलते हैं। अच्छा, देखो यहाँ पे इस चीज़ में आप लोग बिल्कुल कंफ्यूज मत होना। देखो, हम लोग इस ग्रुप के रेस्पेक्ट में देखते हैं, यानी ग्रुप के बगल वाली पोजीशन को ऑर्थो और उसके बगल वाली को मेटा और उसके बगल वाली को पैरा बोलते हैं। यानी ऐसा नहीं है कि हम लोग यहाँ पे इस पोजीशन को ही ऑर्थो बोलेंगे। इसको ऐसे समझो, मान लो अगर हमारा COOH इस जगह लगाए तो
तब हम लोग यहाँ पे ऑर्थो इस पोजीशन और इस पोजीशन को बोलेंगे, यानी जो हमारा मेन ग्रुप है ठीक है उसके जस्ट बगल बगल वाली पोजीशन को देखेंगे। अब जैसे मान लो यही सी डबल एच यहाँ लग गया तो तब ऑर्थो ऑर्थो ये हो जाएंगे ठीक है। देखो इसको ऐसे यहाँ पे इस तरीके से आप लोगों को देखना है कि सी डबल एच जहाँ लगा है उसके बगल बगल वाली पोजीशन ऑर्थो, उसके बगल बगल वाली मेटा, और फिर सबसे लास्ट वाली हमारी पैरा। तो यहाँ पे एक चीज़ हमें देखने को मिली कि ऑर्थो की हमारी दो पोजीशंस होती हैं, मेटा की भी दो होती हैं, बट पैरा की एक सिंगल होती है। और ये जो ऑर्थो ऑर्थो ये दोनों बिल्कुल सेम है, मेटा मेटा भी बिल्कुल सेम है, और पैरा हमारी जो है अलग हो जाती है ठीक है। तो यहाँ पे जो है हमें कुछ इस तरीके से पोजीशंस देखने को मिलती हैं। जैसे इसका एग्जांपल हम लोग देखें, मान लो हमारा जो है जो हमारा बेंजीन है अगर उसमें हमारा OH ग्रुप आके अटैच हो गया ठीक है, तो बेंजीन में जब OH ग्रुप आके अटैच होता है तो हम लोग उसको फिनॉल बोलते हैं। फिनॉल के बारे में हमें यूनिट 2 में पढ़ना भी है काफ़ी डिटेल में। तो अगर मान लो अब इस फिनॉल में जो हमारा NO2 यानी नाइट्रो ग्रुप है, अब अगर मान लो इस पोजीशन पे आके लगा तो हम लोग इसको क्या बोलेंगे, ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल, क्योंकि ये पोजीशन हमारी ऑर्थो पोजीशन हो जाएगी ठीक है। और अगर इस पोजीशन पे लगा तो मेटा नाइट्रोफिनॉल ठीक है, यानी अब यहाँ पे और यहाँ पे अगर हमारा नाइट्रो लग रहा है तो दोनों अलग अलग हो जाता है। ये नहीं होगा कि यहाँ पे भी लग गया तो भी सेम है, यहाँ लग गया तो भी सेम है ठीक है। और वहीं अगर इस पोजीशन पे लग गया तो इसको हम लोग बोलेंगे पैरा नाइट्रोफिनॉल, जबकि इसी नाइट्रो को हम लोगों ने बेंजीन में देखा था तो चाहे यहाँ लग रहा था चाहे यहाँ सेम ही था, लेकिन जैसे ही एक सब्स्टिट्यूएंट आके अटैच हुआ ठीक है तो ये चीज़ें हमारी चेंज हो जाती हैं। तो ये हमारा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म था जिसको आप लोग को समझना ज़रूरी था, एंड आई होप कि आप लोग यहाँ पे समझ गए होंगे। जैसे कि इस फिगर में आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पे एक्स हमारा कोई भी ग्रुप हो सकता है ठीक है। तो यहाँ पे अगर कोई भी ग्रुप हमारा आके अटैच हो चुका है तो अब यहाँ पे उसके बगल वाली पोजीशंस को हम लोग ऑर्थो, फिर यहाँ पे मेटा, फिर यहाँ पे इसको हम लोग पैरा बोलते हैं। तो इतनी चीज़ें आई थिंक कि आप लोगों को क्लियर हो चुकी होंगी। जैसे कि नाउ हेयर इन द अबव स्ट्रक्चर एक्स कैन बी एनी सब्स्टिट्यूएंट, यानी यहाँ पे ये कुछ भी हो सकता है। ऑल्सो द नेचर ऑफ एक्स डिसाइड्स द रिएक्टिविटी ऑफ बेंजीन टुवर्ड्स अदर इलेक्ट्रोफाइल्स एंड ऑल्सो देयर पोजिशंस। और देखो इसी को हम लोग को आज पढ़ना है, यानी हम लोग को अब देखो आप लोग ध्यान से समझना, हम लोग को आज पढ़ना क्या है। देखो ये जो हमारा ग्रुप है जब ये आके हमारी इस बेंजीन रिंग पे अटैच हो जाता है ठीक है, तो अब ये ग्रुप हमारा इस बेंजीन रिंग की रिएक्टिविटी को कैसे यहाँ पे चेंज करता है। यानी देखो ये ग्रुप बहुत अलग अलग टाइप के हो सकते हैं, है ना, हो सकता है यहाँ पे CH3 जुड़ा हो सकता है, NO2 जुड़ा हो सकता है, NH2, कुछ भी हो सकता है X ठीक है। तो यहाँ पे ये जो हमारा ग्रुप आके जुड़ते हैं तो ये ग्रुप किस तरीके से इस बेंजीन की रिएक्टिविटी को या तो बढ़ाते हैं। अब देखो दो चीज़ें होंगी, या तो ये ग्रुप जो आके अटैच हो रहा है ये इस बेंजीन रिंग की रिएक्टिविटी को बढ़ा देगा ठीक है, या तो इस बेंजीन रिंग की रिएक्टिविटी को कम कर देगा। और यहाँ पे एक और चीज़ यहाँ पे डिसाइड करता है कि देखो यहाँ पे ये हमारा पहला सब्स्टिट्यूएंट हो गया जो कि इससे आके अटैच हो गया। अब जो हमारा दूसरा सब्स्टिट्यूएंट हमारा आके इससे अटैच होगा, यानी अब जब ये दूसरी बार मान लो किसी इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन में जा रहा है तो अब जो दूसरा इलेक्ट्रोफाइल आके अटैच होगा वो यहाँ पे ऑर्थो पोजिशन पे अटैच होगा कि मेटा पे होगा कि पैरा पे होगा, वो भी हमारा ये ग्रुप ही डिसाइड करता है ठीक है। तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल हमारा ग्रुप प्ले करते हैं। अब ये ग्रुप हमारे बहुत ही अलग अलग टाइप के होते हैं, जैसे कि यहाँ पे मेनली अगर हम लोग बात करें तो ये जो हमारा सब्स्टिट्यूएंट या फिर ग्रुप है ये हमारे मेनली दो टाइप के हो सकते हैं ठीक है। पहला हो गया रिंग एक्टिवेटिंग ग्रुप और दूसरा हो गया रिंग डीएक्टिवेटिंग ग्रुप्स। तो इन्हीं दोनों को हम लोग को बेसिकली आज की वीडियो में पढ़ना है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं अपने रिंग एक्टिवेटिंग ग्रुप्स के बारे में। देखो एक चीज़ आप लोग समझो, देखो ये जो हमारा बेंजीन है ये हमारी कौन सी रिएक्शन देता है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, यही तो देता है, जिसमें होता क्या है ये जो हमारा इलेक्ट्रोफाइल होता है। अच्छा देखो इलेक्ट्रोफाइल का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रोफाइल मतलब इलेक्ट्रॉन लवर, यानी इसको यहाँ पे जितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन मिलेगा ये उतनी ज़्यादा रिएक्शन करेगा। यानी अगर हमारे बेंजीन के पास जितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे उतना ज़्यादा ये बेंजीन हमारी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के अंदर जाएगा, क्योंकि इसको इलेक्ट्रोफाइल इसको जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन दिखेगा ये रिएक्शन हमारा बढ़ाता जाएगा ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग समझ गए ना कि बेंजीन में अगर इलेक्ट्रॉन किसी तरह बढ़ गए तो हमारी बेंजीन की रिएक्टिविटी बढ़ जाएगी, और अगर इलेक्ट्रॉन कम हो गए तो बेंजीन की रिएक्टिविटी कम हो जाएगी। तो यहाँ पे देखो रिंग एक्टिवेटिंग ग्रुप्स करते क्या हैं, ध्यान से समझना, ग्रुप्स दैट इंक्रीजेस द रिएक्टिविटी ऑफ बेंजीन टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आर नोन एज रिंग एक्टिवेटिंग ग्रुप्स। यानी ऐसे ग्रुप्स जो कि हमारे इस बेंजीन रिंग पे अटैच होने के बाद इस बेंजीन रिंग की रिएक्टिविटी को हमारे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की तरफ अगर बढ़ा देते हैं तो उस ग्रुप को हम लोग बोलते हैं रिंग एक्टिवेटिंग ग्रुप। देखो इसका नाम ही है रिंग एक्टिवेटिंग, यानी ये हमारी क्या करता है, ये हमारी बेंजीन रिंग को एक्टिवेट कर देता है किसकी तरफ। अब देखो रिंग हमारी एक्टिवेट हो रही है तो बेंजीन जो रिएक्शन देगा उसी की तरफ तो बढ़ेगी, और बेंजीन हमारी कौन सी रिएक्शन देता है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, क्योंकि एडिशन रिएक्शन जनरली बेंजीन देता नहीं है, बहुत हार्डली किसी तरह दे सकता है।
तो वही चीज है, ठीक है। दीज ग्रुप्स इंक्रीजेस द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन बेंजीन रिंग। अच्छा कैसे बढ़ाता है? चलो बढ़ा तो देता है पर कैसे बढ़ाता है, ये करता क्या है? मतलब यहाँ पे हम लोग देखेंगे अभी कैसे मैकेनिज्म होता है सब देखेंगे। अभी आप लोग बस ध्यान से समझो कि यहाँ पे मान लो कोई हमारा ग्रुप होगा, ठीक है, जो कि इस हाइड्रोजन की जगह आके लग गया पहले। अब देखो ये जो हमारा ग्रुप है ये करेगा क्या, ये हमारा इसके अंदर कुछ ऐसा करेगा, ठीक है, कि ये जो हमारी बेंजीन रिंग है ना इसके अंदर हमारे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ जाएगी। यानी यहाँ पे कुछ इस तरह का होगा कि यहाँ पे इसने मान लो इलेक्ट्रॉन को यहाँ बढ़ा दिया, यहाँ बढ़ा दिया, यहाँ बढ़ा दिया, कुछ इस तरीके से हमारे ये इलेक्ट्रॉन को बढ़ा देगा। अच्छा कैसे बढ़ा देगा अभी हम लोग देखेंगे, परेशान मत हो, बट इतना समझो कि ये करेगा क्या, बढ़ा देगा। अब जैसे ही हमारी बेंजीन रिंग के अंदर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी तो भाई ये जो हमारा इलेक्ट्रोफाइल है इसको क्या चाहिए, इसको इलेक्ट्रॉन ही तो चाहिए। जैसे इसको इलेक्ट्रॉन दिखना चालू होगा वैसे क्या होगा, ये हमारा बेंजीन रिंग के ऊपर अटैक करना चालू कर देगा, और जितना ज़्यादा ये अटैक करेगा उतना ज़्यादा हमारा बेंजीन रिएक्टिव हो जाएगा, ठीक है, यानी उसकी रिएक्टिविटी बढ़ जाएगी। तो काफ़ी सिंपल सा यहाँ पे लॉजिक होता है, ठीक है। दीज ग्रुप्स इंक्रीजेस द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन बेंजीन रिंग, वही बात है। दे आर ऑल्सो नोन एज ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप्स। अब देखो इस लाइन का मतलब क्या है अभी हम लोग देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट मतलब है, बाकी आप लोग परेशान मत हो, अभी हम लोग देख रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखो इस ग्रुप को भी हम लोग फर्दर जो है तीन टाइप में क्लासीफाई कर सकते हैं। जैसे पहला हो गया स्ट्रांगली एक्टिवेटिंग, जैसे देखो सिंपल सी बात है कि ये हमारे रिंग को एक्टिवेट करते हैं। अब अगर बहुत ज़्यादा कर रहा है तो स्ट्रांगली हो गया, थोड़ा सा मीडियम लेवल पे कर रहा है तो मॉडरेटली हो गया, और बहुत कम लेवल पे कर रहा है तो वीकली हो गया। जैसे अगर स्ट्रांगली एक्टिवेटिंग की बात करें तो हमारा जो NH2 ग्रुप होता है, देखो NH2 हमारा सबसे स्ट्रांगली रिंग एक्टिवेटिंग ग्रुप होता है, यानी ये जो हमारी बेंजीन रिंग है अगर यहाँ पे हमारा NH2 ग्रुप आके अटैच हो गया तो ये जो हमारी बेंजीन रिंग है इसकी रिएक्टिविटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, ठीक है। और यहाँ पे और भी हमारे कुछ होते हैं जैसे NR2 हो गया, OH हो गया, और मॉडरेटली में बात करें तो हमारा NHC डबल बॉन्ड CH3 हो गया, OR हो गया, और वीकली में हमारे जैसे CH3 C6H5। तो ये सब हमारे कुछ ऐसे ग्रुप्स होते हैं जो कि रिंग की एक्टिविटी को बढ़ाने का काम करते हैं। अब देखो यहाँ पे जैसे हम लोग बात करें अपने इफेक्ट ऑन रिएक्टिविटी की, यानी ये जो ग्रुप है अगर ये हमारा अटैच हो रहा है तो ये क्या करता है रिएक्टिविटी के साथ, सिंस रिंग एक्टिवेटिंग ग्रुप्स हैव द टेंडेंसी टू डोनेट इलेक्ट्रॉन्स। अच्छा देखो यहाँ पे ये बढ़ाते कैसे, क्योंकि इनके पास ऐसी टेंडेंसी होती है कि ये इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर सकते हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन जब डोनेट करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन हमारी बेंजीन रिंग को डोनेट कर देंगे, जिसकी वजह से बेंजीन में इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ जाएगी। अभी कैसे डोनेट करेंगे वो भी देखेंगे, परेशान मत हो, ठीक है। तो दे इंक्रीजेज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन बेंजीन रिंग, नाउ ड्यू टू दिस इंक्रीज्ड इलेक्ट्रॉन बेंजीन रिंग बिकम्स मोर रिएक्टिव टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। यानी सिंपली रिएक्टिविटी ये बढ़ जाती है। और अगर हम लोग बात करें अपने इफेक्ट ऑन ओरिएंटेशन, तो देखो ये यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाती है। देखो यहाँ पे ये जो हमारे रिंग एक्टिवेटिंग ग्रुप्स होते हैं, ठीक है, अभी हम लोग रिंग एक्टिवेटिंग की बात कर रहे हैं, तो अगर ये हमारे बेंजीन रिंग के ऊपर अटैच हुए तो रिंग एक्टिवेटिंग ग्रुप गाइड द सेकेंड सब्स्टिट्यूएंट्स टूवर्ड्स द ऑर्थो एंड पैरा पोजिशंस। देखो ध्यान से समझना, देखो अगर हमारा यहाँ पे ये जो एक्स है ये हमारा एक रिंग एक्टिवेटिंग ग्रुप है, तो यहाँ पे जब हमारा जो बेंजीन रिंग है ये हमारा दूसरी बार इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में जाएगा, तो जो हमारा दूसरा वाला इलेक्ट्रोफाइल होगा वो या तो हमारा ऑर्थो पोजीशन पे अटैच होगा या तो हमारा पैरा पोजीशन पे अटैच होगा, ठीक है। मेटा पोजीशन पे जनरली हमें जो है रिएक्शन देखने को नहीं मिलेगी। देखो यहाँ पे ध्यान से समझना, यानी यहाँ पे क्या कह रहा है कि मान लो अगर हमारा जो है इस बेंजीन रिंग पे कोई भी हमारा रिंग एक्टिवेटिंग ग्रुप लगा है, तो अब उसके बाद जब बेंजीन रिंग किसी दूसरे सब्स्टिट्यूएंट के साथ रिएक्शन करेगा, ठीक है, यानी कोई दूसरा इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पे आके अटैच होगा, तो वो या तो हमारा ऑर्थो पोजीशन पे हो सकता है या तो हमारा पैरा पे हो सकता है, मेटा पे नहीं हो सकता है, बहुत जनरली बिल्कुल नहीं हो सकता है। तो समझ गए ना, बिल्कुल सिंपल सी बात है, रिंग एक्टिवेटिंग ग्रुप्स गाइड द ओके, ठीक है। और गिवन बिलो इज द मैकेनिज्म ऑफ ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्शंस। तो चलो ठीक है, हम लोगों ने ये भी देख लिया कि यहाँ पे ये जो रिंग एक्टिवेटिंग ग्रुप हैं ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाते हैं, ये भी देख लिया कि ये पैरा और ऑर्थो पोजिशन पे सब्स्टिट्यूएंट को मतलब कह सकते हो कि प्लेस करते हैं, लेकिन ये चीज़ें होती कैसे हैं, तो चलो हम लोग यहाँ पे इसको जो है इसकी मैकेनिज्म से देखते हैं, ठीक है। तो मान लो हमारा जो रिंग एक्टिवेटिंग ग्रुप है, जैसे NH2 हमारा सबसे स्ट्रॉन्ग रिंग एक्टिवेटिंग ग्रुप होता है, तो मान लो ये हमारा बेंजीन रिंग पे अगर आके अटैच हुआ तो ये करेगा क्या, देखो NH2 के पास होते हैं हमारे यहाँ पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो ये जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है ना ये करेगा क्या, देखो ध्यान से समझना, ये NH2 अपना इस लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन से हमारा क्या करेगा, यहाँ पे एक बॉन्ड फॉर्मेशन कर लेगा, ठीक है।
अच्छा देखो, जब यहाँ पे हमारा बॉन्ड बन जाएगा, ठीक है, डबल बॉन्ड, तो अब यहाँ पे अगर हम लोग इस पोजीशन पे कार्बन की वैलेंसी देखें, तो यहाँ पे देखो कार्बन ने कितने बॉन्ड बना लिए, दो यहाँ, एक यहाँ, तो यहाँ पे तो भाई कार्बन के टोटल 5 बॉन्ड हो गए। ऐसा तो हो नहीं सकता, यानी अगर यहाँ पे ये जो लोन पेयर है इसने यहाँ पे आके बॉन्ड बना लिया, तो ये जो बॉन्ड है इसको यहाँ पे ब्रेक होना पड़ेगा। तो बिल्कुल सिंपल सी बात है, यहाँ पे होगा क्या, जैसे ही ये लोन पेयर यहाँ पे बॉन्ड बनाएगा, तो ये बॉन्ड जो है ये वाला, ये हमारा ब्रेक हो जाएगा और यहाँ पे हमें जो है लोन पेयर के साथ देखने को मिल जाएगा। देखो लोन पेयर को हम लोग जनरली, देखो ये जो बॉन्ड है, बॉन्ड, ठीक है, ये हमारा ब्रेक हुआ लोन पेयर में, ठीक है, तो इसको हम लोग कुछ इस तरीके से दिखाते हैं, इसमें कोई कन्फ्यूजन तो नहीं है, ठीक है। तो जब ये ब्रेक होगा तो यहाँ पे होगा, देखो अब यहाँ पे ये लोन पेयर क्या होगा, अब यहाँ से जब लोन पेयर हमारा यहाँ पे आएगा, तो अब ये वाला जो बॉन्ड है ये हमारा यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये बॉन्ड हमारा यहाँ शिफ्ट हो गया, लोन पेयर हमारा यहाँ आ गया। देखो ये बॉन्ड क्यों शिफ्ट हो रहे हैं, ताकि कार्बन की वैलेंसी ना डिस्टर्ब हो, ठीक है। अब उसके बाद जब ये लोन पेयर हमारा यहाँ से यहाँ जाएगा, तो ये जो बॉन्ड है ये हमारा यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद फाइनली क्या होगा, ये लोन पेयर हमारा दोबारा से नाइट्रोजन पर चला जाएगा, और ठीक है, और फिर बॉन्ड हमारे नॉर्मली हो जाएंगे। देखो यहाँ पर हमें रेजोनेंस देखने को मिल रहा है, ठीक है, सिंपल सी बात है। तो एक चीज़ अगर आप लोग ध्यान से देखो, देखो ये जो हमारा लोन पेयर है ये क्या है, ये हमारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, है ना, यही तो हैं इलेक्ट्रॉन्स। अब देखो ये इलेक्ट्रॉन्स कहाँ कहाँ जा रहे हैं, देखो ये यहाँ जा रहा है, यहाँ जा रहा है और यहाँ पे जा रहा है, ठीक। तो अगर आप लोग ध्यान से देखो तो ये ठीक है, देखो ये तीनों की तीनों हमारे क्या है, ऑर्थोएड पैरा पोजिशंस, यानी जो हमारा रिंग एक्टिवेटिंग ग्रुप होता है वो हमारे इलेक्ट्रॉन्स को कहाँ डोनेट करता है, हमारे ऑर्थो पोजिशन और पैरा पोजिशन पे। तो इसकी वजह से होता क्या है, ये जो हमारा इलेक्ट्रोफाइल है ये हमारे ऑर्थो या फिर पैरा पोजिशन पे जाके अटैक करता है, ठीक है, और यहाँ पे हमें जुड़ जाता है। इसी वजह से जो हमारा रिंग एक्टिवेटिंग ग्रुप है, तब जो हमारे सेकेंड सब्स्टिट्यूएंट होता है वो हमारा या तो ऑर्थो या तो पैरा पोजिशन पे जाके अटैच होता है, ठीक है। क्योंकि भाई देखो इलेक्ट्रोफाइल को जहाँ इलेक्ट्रॉन दिखेगा वहीं तो जाएगा, ठीक है, तो इसके लिए यहाँ जाना काफ़ी आसान हो गया। तो यहाँ पे ये जो है हमें जो है ऑर्थो एंड पैरा पोजीशंस पे देखने को मिलता है। और एक चीज़ बिल्कुल सिंपल है कि भाई देखो इसने इलेक्ट्रॉन डेंसिटी तो बढ़ा ही दी, यानी देखो यहाँ पे इसने NH2 ने क्या किया, इलेक्ट्रॉन को बेंजीन रिंग के ऊपर बढ़ा दिया ना, यहाँ पे देखो इलेक्ट्रॉन आ गया, तो उसकी वजह से रिएक्टिविटी बढ़ गई। तो यहाँ से हमें दोनों चीज़ें समझ में आ गई, ठीक है, कि हमारा रिएक्टिविटी कैसे बढ़ी और ओरिएंटेशन पे इफेक्ट कैसे पड़ा, तो दोनों चीज़ें समझ गए ना, तो काफ़ी सिंपल सी बात थी। अब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं अपने रिंग डीएक्टिवेटिंग ग्रुप्स के बारे में। तो देखो ये काफ़ी सिंपल है, रिंग डीएक्टिवेटिंग ग्रुप ये करेगा क्या, देखो जैसा इसका नाम है, यानी यहाँ पे अगर हमारा जो ग्रुप है अगर वो हमारा बेंजीन रिंग पे आके अटैच हुआ, तो ये हमारी बेंजीन रिंग की रिएक्टिविटी को कम कर देगा, ठीक है, यानी डीएक्टिवेट कर देगा रिंग की रिएक्टिविटी को टूवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। देखो वही चीज़ लिखी हुई है, नाउ दीज ग्रुप्स डिक्रीजेज द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन बेंजीन रिंग। अब देखो ये करेगा कैसे भाई, ये क्या करेगा, ये देखो जो हमारा रिंग एक्टिवेटिंग ग्रुप था वो इलेक्ट्रॉन को दे रहा था, ठीक है, जबकि ये हमारा इलेक्ट्रॉन को ले लेगा, ठीक है, यानी ये हमारे इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप होते हैं, इलेक्ट्रॉन को विदड्रॉ कर लेते हैं। तो इलेक्ट्रॉन जब हमारे बेंजीन से कम हो जाएगा तो हमारी बेंजीन की रिएक्टिविटी भी कम हो जाएगी, काफ़ी सिंपल सी बात है। दीज ग्रुप्स डिक्रीजेस द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, दे आर ऑल्सो नोन एज मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप्स। देखो वहाँ पे उसको हम लोग क्या बोलते थे, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप, यानी वो जो हमारा जो हमारे रिंग एक्टिवेटिंग ग्रुप्स थे वो हमारे सब्स्टिट्यूएंट्स को कहाँ लाके अटैच करते हैं, ऑर्थो और पैरा पोजिशन पे, जबकि रिंग डीएक्टिवेटिंग ग्रुप्स कहाँ लाके अटैच करेगा, हमारे मेटा पोजिशंस पे, इसीलिए इसको हम लोग मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप्स भी बोलते हैं। नाउ दे कैन बी फर्दर डिवाइडेड इनटू 3 टाइप्स। देखो बिल्कुल सिंपल ही चीज़ है, स्ट्रांगली डीएक्टिवेटिंग, मॉडरेटली डीएक्टिवेटिंग और वीकली डीएक्टिवेटिंग। तो इसके अंदर हमारे कुछ एग्जांपल्स हैं, आप लोग देख लेना, जैसे जो हमारा नाइट्रो ग्रुप होता है ये हमारा सबसे स्ट्रांगली डीएक्टिवेटिंग ग्रुप होता है। अगर नाइट्रो ग्रुप हमारा बेंजीन रिंग के ऊपर आके अटैच हो गया, तो जो हमारी बेंजीन रिंग है उसकी रिएक्टिविटी हमारी बहुत कम हो जाती है। अब कैसे होती है उसको हम लोग देखेंगे डेफिनेटली। तो सबसे पहले हम लोग बात करें अपने इफेक्ट ऑन रिएक्टिविटी, तो देखो वही चीज़ है, सिंस रिंग डीएक्टिवेटिंग ग्रुप्स हैव द टेंडेंसी टू एक्सेप्ट, यानी ये इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट नहीं बल्कि एक्सेप्ट या फिर विदड्रॉ करते हैं, हेंस दे डिक्रीजेस द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। तो ये बेंजीन से इलेक्ट्रॉन को खींच लेंगे, ठीक है। नॉट ड्यू टू दिस बेंजीन रिंग बिकम्स लेस रिएक्टिव टूवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो वही चीज़ है। और अगर हम लोग यहाँ पे बात करें अपने इफेक्ट ऑन ओरिएंटेशन पे, तो ओरिएंटेशन पे देखो रिंग डीएक्टिवेटिंग ग्रुप्स गाइड द सेकेंड सब्स्टिट्यूएंट्स टूवर्ड्स द मेटा पोजिशन, यानी जो रिंग डीएक्टिवेटिंग ग्रुप होते हैं वो क्या करते हैं, वो हमारे सेकेंड सब्स्टिट्यूएंट को मेटा पोजिशन यानी इस वाली पोजिशन पे लाके अटैच करते हैं। अब कैसे करते हैं तो वो हम लोग देखेंगे, पर पहले आप लोग ये एक चीज़ ये समझो कि यहाँ पे सेकेंड सब्स्टिट्यूएंट्स की बात क्यों हो रही है, क्योंकि देखो ये हमारा पहला तो आके अटैच हो ही चुका है ना, तभी तो हमारा ये रिंग की एक्टिविटी को बढ़ा घटा रहा है। तो अब इसके बाद देखो यहाँ पे जो हमारा इफेक्ट है वो हमारा पहले सब्स्टिट्यूएंट से ही डिफाइन होता है, ठीक है। तो जब पहला ग्रुप हमारा आके अटैच हो जाता है तो वो दूसरे की एक्टिविटी को किस तरीके से अफेक्ट करता है, ठीक है, तो वही चीज़ हम लोग पढ़ रहे हैं।
अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे होता क्या है, मान लो जो हमारा नाइट्रो ग्रुप है, ठीक है, NO2, देखो ये हमारा NO2 ही है, NO2 को हम लोगों ने यहाँ पे स्ट्रक्चरल फॉर्म में लिखा है, ठीक है, N डबल बॉन्ड O, ठीक है। तो अगर ये हमारा बेंजीन पे अटैच हुआ तो होगा क्या, देखो ध्यान से समझना, ये जो O है ना, ये हमारा एक बहुत ही स्ट्रांग इलेक्ट्रोनिगेटिव कंपाउंड होता है, ठीक है, इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम होता है। तो ये O करेगा क्या, ये हमारा इस नाइट्रोजन से इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने की कोशिश करेगा, ठीक है, यानी ये O हमारा नाइट्रोजन से इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, तो यहाँ पे आ जाएगा एक नेगेटिव चार्ज, ठीक है, और जब इलेक्ट्रॉन यहाँ पे इससे खींचेगा तो यहाँ पे आ जाएगा, इस नाइट्रोजन पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, और ये बॉन्ड हमारा ब्रेक हो जाएगा। देखो इस बॉन्ड के ब्रेक होने से ही तो यहाँ पे नेगेटिव और यहाँ पे पॉजिटिव आ गया, ठीक है। अच्छा ठीक है, अब देखो यहाँ पे जो नाइट्रोजन है भाई, इसके पास तो अब इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई, यानी यहाँ पे देखो इस नाइट्रोजन से इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन ले लिए तो इसके पास कमी हो गई, तो अब ये नाइट्रोजन क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन हमारा लेने की कोशिश करेगा हमारी इस रिंग से। अब रिंग से इलेक्ट्रॉन कैसे लेगा, तो यहाँ पे देखो ये इसको ये वाला बॉन्ड दिख रहा है, तो करेगा क्या भाई, इस इलेक्ट्रॉन से, ठीक है, इस बॉन्ड से हमारा ये इलेक्ट्रॉन को ले लेगा, ठीक है, यानी इस बॉन्ड से, देखो इस वाले बॉन्ड से इसने नेगेटिव चार्ज लिया, और नेगेटिव पॉजिटिव मिलकर क्या करेंगे, यहाँ पे हमारे बॉन्ड का फॉर्मेशन कर देंगे, और जब यहाँ पे बॉन्ड बन जाएगा तो यहाँ पे ये बॉन्ड ब्रेक हुआ। अब देखो इस बॉन्ड का जो नेगेटिव चार्ज था वो तो हमारे नाइट्रोजन ने ले लिया, तो बचेगा क्या, बचेगा हमारा यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। तो बिल्कुल सिंपल सी बात है, आप लोग समझ गए ना, यहाँ पे देखो क्या हुआ, यहाँ पे ये बॉन्ड ब्रेक हुआ तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आया, ठीक है, वो जो नेगेटिव था तो यहाँ पे इसने बॉन्ड बना लिया, ठीक है। अब सेकंड स्टेप में देखो क्या होगा, अब देखो ये हमारे रेजोनेंस में चले जाएंगे, तो रेजोनेंस में क्या होगा, ये पॉजिटिव चार्ज हमारा डीलोकलाइज होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये पॉजिटिव यहाँ से जब यहाँ आएगा तो क्या होगा, अब ये बॉन्ड यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि भाई देखो हमारे इलेक्ट्रॉन जो कार्बन है उसकी वैलेंसी तो डिस्टर्ब करनी नहीं है। अब जब ये पॉजिटिव यहाँ से यहाँ आएगा तो हमारा जो बॉन्ड है वो यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, और उसके बाद फाइनली ये पॉजिटिव जब दोबारा हमारे नाइट्रोजन के पास जाएगा तो हमारा बॉन्ड हमारा फिर से बन जाएगा, और इस तरीके से एक रेजोनेंस हमें देखने को मिलेगा। तो यहाँ से हम लोगों ने देखा क्या, ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों ने ये देखा कि इसने किया क्या, इसने हमारी, ध्यान से देखना, अगर आप लोग ध्यान से देखो तो इसने किया क्या, ये जो हमारा बेंजीन रिंग है, तो यहाँ पे देखो इसने जो हमारी ऑर्थो और पैरा पोजीशन है, देखो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज कहाँ कहाँ देखने को मिला, यहाँ यहाँ और यहाँ, यानी यहाँ यहाँ यहाँ, और ये हमारी क्या है, ऑर्थो, ठीक है, और ये हमारी पैरा, ठीक है, और ये भी हमारी ऑर्थो। अब देखो यहाँ पे एक्चुअल में हुआ क्या है कि भाई यहाँ पे इसने जो है ऑर्थो और पैरा पोजीशंस पे लाके हमारे पॉजिटिव चार्ज को खड़ा कर दिया। तो यहाँ पे देखो बेसिकली होता क्या है, ये जो हमारा बेंजीन है ये हमारा किसके अंदर जाता है, हमारी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है ना, यानी कि हमारा जो इलेक्ट्रोफाइल है वही तो हमारा यहाँ पे बेंजीन पे अटैक करता है। अब देखो इलेक्ट्रोफाइल जो होता है जनरली, जैसे हम लोगों ने जो भी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देखी उसमें हमारे कौन कौन से, जैसे हमारा मान लो CH3+ ले लो, चाहे हमारा NO2+ ले लो, सब में हमें पॉजिटिव चार्ज ही तो देखने को मिलता है, यानी इलेक्ट्रोफाइल के अंदर जनरली क्या होता है, हमारे पॉजिटिव चार्ज होते हैं, ठीक है, यानी ये जो पॉजिटिव चार्ज है भाई ये हमारा निगेटिव चार्ज की तरफ अट्रैक्ट होगा, और अगर इसको पॉजिटिव चार्ज दिख गया तो उससे तो ये दूर भागने की कोशिश करेगा, यानी पॉजिटिव से तो रिपेल करेगा। तो अब देखो यहाँ पे ये जो इलेक्ट्रॉन रिंग डीएक्टिवेटिंग ग्रुप थे, इन्होंने किया क्या, इन्होंने यहाँ पे ऑर्थो और पैरा पोजीशन से पॉजिटिव चार्ज को लाके खड़ा कर दिया, जिसकी वजह से होगा क्या, ये जो इलेक्ट्रोफाइल है ये हमारा ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे तो कभी जाके अटैच हो नहीं होगा, क्योंकि भाई यहाँ पे तो इसको पॉजिटिव चार्ज दिख रहा है तो यहाँ पे तो एक अटैक कर नहीं सकता। अब रहा साहब बचा क्या, बचा यहाँ पे हमारी मेटा पोजिशन। अब ऑल दो मेटा पोजिशन पे हमारा कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, यानी कि कोई निगेटिव चार्ज नहीं है, लेकिन कोई पॉजिटिव चार्ज भी तो नहीं है, एटलीस्ट कम से कम यहाँ यहाँ तो पॉजिटिव चार्ज है, यानी अगर मान लो इन द केस अगर हमारी रिएक्शन हो रही है तो भाई ये जो इलेक्ट्रोफाइल है ये हमारा ऑर्थो और मेटा पैरा पे तो कभी नहीं अटैच होगा, अगर होना होगा तो ले दे के मेटा पे ही अटैच हो सकता है। तो इसकी वजह से होता क्या है, रिंग डीएक्टिवेटिंग ग्रुप्स गाइड द सेकंड सब्स्टिट्यूएंट टुवर्ड्स मेटा पोजिशन, ठीक है, तो इसकी वजह से जो हमारा सेकंड सब्स्टिट्यूएंट होता है वो हमारा मेटा पोजिशन पे जाके ही अटैच होता है। तो ये था हमारा यहाँ पे आज का लेक्चर, और कैसा लगा आप लोग को वीडियो आप लोग कमेंट करके बताना, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स था बट आई होप कि आप लोग को समझ में आ गया होगा, एंड मिलते हैं हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच।